नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दत्त, SV न्यूज़ इंडिया। आज हमारी टीम पहुंची शनि महाराज के प्राचीन मंदिर में। यह मंदिर सार के बालाजी हॉस्पिटल नज़दीक राजगुरु मार्केट में स्थित है। यहां पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यहां पर हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। आज विशाल भंडारा लगाया हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु अपने घर लंगर पैक करवा कर ले जा रहे हैं। और हम पुजारी जी से जानते हैं कि क्या प्रोग्राम है, वह कब कब और किस उपलक्ष में प्रोग्राम करते रहते हैं और इस मंदिर की क्या महानता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम पुजारी जी से मिलते हैं और आपको सुनाते हैं पुजारी जी ने क्या कहा, इस मंदिर की प्राचीन कथा क्या है। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दत्त, SV न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हिसार बालाजी हॉस्पिटल के पास शनि मंदिर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पुजारी जी। राम राम पुजारी जी। राम राम जी। राम राम। पहले आप अपना पूरा परिचय दें। सभी को मेरा नमस्कार। राम राम। मैं राजेश भृगु, पुत्र श्री स्वर्गीय प्रभातीलाल भृगु, पौत्र स्वर्गीय पंडित राम कुमार भृगु। पुजारी जी, आज ये प्रोग्राम चल रहा है गोवर्धन पूजा पर, विश्वकर्मा डे पर, किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम चल रहा है, कृपया। ये प्राचीन शनि मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है जी, बहुत पुराना मंदिर है। इसका 3 बार पुनर्निर्माण हुआ है और आज ये जो भंडारा वगैरह चल रहा है, ये हर साल हर वर्ष मतलब कि विश्वकर्मा डे पर मनाया जाता है। अन्नकूट का भोग, माँ अन्नपूर्णा का भी प्रसाद कहते हैं इसे, गोवर्धन का भी कहते हैं और विश्वकर्मा डे पर भी कहते हैं। हर मतलब कि समाज अपने हिसाब से उसका मतलब वो करता है। ये शनि मंदिर है, ये संगतों के लिए लेके आता रहता है, इसकी क्या महत्वता है, ये ज़रा खुल के हमारे दर्शकों को बताएं। देखो जी, बहुत प्राचीन मंदिर है, लोगों की बहुत मान्यता है, लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में। अच्छी आस्था है लोगों की, हर शनिवार को दिन में श्रद्धाजनों के लिए दाल रोटी का प्रसाद होता है, शाम को हर शनिवार को मंदिर की तरफ से हलवा छोले का प्रसाद वितरण किया जाता है। जेठ की मावस शनि जयंती आती है तब भंडारा लगता है, अन्नकूट का भंडारा हो जाता है। सावन की मावस को जो ये इस मंदिर की स्थापना दिवस है, जो सावन की मावस, उसको जागरण होता है और भंडारा लगता है सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक भंडारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि साल एक साल में मतलब कि 5-6 तो बड़े भंडारे लग जाते हैं और हर शनिवार को दिन में दाल रोटी का प्रसाद चलता है और शाम को हलवा छोले का प्रसाद लगता है। आप अपने संतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़, मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले तो भी समाज में एकता बनाए रखे, आपस में मिलजुल के रहे। और इस मंदिर की आस्था इतनी है कि जिसने भी मतलब कि सच्चे दिल से कुछ मांगा है, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो मंदिर में आकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा भगवान श्री शनिदेव से मांगे और पूर्ण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मैं वीरेंद्र प्रधान, विवेक नगर लौरिया चौक हिसार से बोल रहा हूँ और सभी भाइयों को, दर्शकों को मेरा राम राम। मैं इस मंदिर बारे में इतना जानता हूँ, ये काफ़ी वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ हमारे स्वर्गीय पंडित जी प्रभातीलाल जी थे, बहुत ही अच्छे काम किया करते थे, वो लोगों के झाड़ा भी लगाया करते थे और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, गोदियाँ जो उनके चूड़ियाँ वगैरह कहते हैं, अपना झाड़ू कहते हैं, वो भी झाड़ा करते और अब भी वो काम जारी है। और हर शनिवार को दाल रोटिया यहाँ भंडारा चलता है और हर साल एक ये जो अन्नकूट का कहते हैं अपने प्रसाद का भंडारा चलता है। इसके अलावा शनि जयंती भी उसमें बड़ा जागरण करके मनाई जाती है। और इसके अलावा हमारे इस शनि मंदिर के अंदर पूरे हरियाणा में और पूरे हिसार ज़िले में भी मैं कहूँगा कि जो 7 भोग का जो सुबह में इनके भोग लगता है, प्रसाद लगता है डेली का, वो शायद किसी मंदिर में ही नहीं लगता, क्योंकि 7 मेवा का भोग लगता है इस मंदिर में। और इस मंदिर की बहुत ही ना मान्यता है, यहाँ आने पर सभी अपने कष्ट दूर होते हैं और जो भी अपनी मान्यता लेके आता है वो पूर्ण होती है। आप अपना पूरा परिचय दें और इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल है, मैं मंदिर से ही हूँ और और ये जो भंडारा चलता आ रहा है बहुत काफ़ी, जब से हमने वो सवाल है जब से देख रहे हैं हम, तो बहुत बढ़िया चलता रहा है।
श्रद्धालु आते हैं, आप श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है जी, भाई ऐसी सेवा में लगे रहे और हम भी लगे रहे और ऐसे चलता रहे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।